खबरों को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर गाजीपुर से है, जहां आज एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई, जबकि हमले में उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल है। हमला करने वालों का पता नहीं चल पाया है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के सकलेनाबाद इलाके की है, जहां एक खाली प्लाट में दोनों युवक लहूलुहान हालत में पड़े पाए गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रेवतीपुर क्षेत्र का अंशुमान और लोनहरा क्षेत्र का राघवेंद्र शहर के चंदनगर इलाके में किराए पर रहते थे। दोनों छात्र थे। दोनों को आज लहूलुहान हालत में सकलेनाबाद इलाके के एक खाली प्लाट पाया गया। दोनों पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंशुमान को मृत घोषित कर दिया, जबकि राघवेंद्र को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है। हमलावरों और घटना के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना से शहर में सनसनी का माहौल है। हम यहाँ के जो इससे पहले ये प्रवीण नाम के कोई थे, दरोगा साहब के क्या थे, वो कम से कम कुछ नहीं तो 20-30 केस स्टेशन पे ये घटना वो घर में एक CMO ऑफिस की कोई सरकारी कर्मचारी उनके घर में घुस के लड़के मारते हैं और कंप्लेन जाता है और कोई नहीं आता है। वहाँ कम से कम 20 घटनाएं होनी है। मतलब पुलिस की लापरवाही। हाँ, पूरी लापरवाही है। पूरी लापरवाही। क्या कर रहा था, पढ़ रहा था या क्या? जी, यहीं से पीजी कॉलेज से हमारा भाई भी काम किया है, उसके बाद जाके लखनऊ तैयारी करता था। आया था, छुट्टी हुआ था, उसी में ये घटना घट गई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाला यहीं पे, मेरा मकान स्टेशन पे है। मारपीट का केस था, एक को गंभीर रूप से चोट लगी थी, उसको बनारस रेफर कर दिया गया है और एक तो मृत अवस्था में लाया गया हमारे यहाँ। उसके चेस्ट में ज़्यादा इंजरी थी और कुछ सर गले के पास भी उसको चोट लगी थी। दोनों का क्या नाम था मरने वाले? एक अंशुमान था, अंशुमान जो रेफर कर वो एक्सपायर कर गया है अंशुमान, और राघवेंद्र जो करके है वो रेफर किया गया है। गंभीर कैसे स्थिति है? सकलेनाबाद में दो लड़कों को चाकू से चोट लगी है और एक लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसे उसको मृतक घोषित कर दिया गया है और एक लड़के को उसके चेहरे पर चोट लगी है, उसे भी चाकू या किसी धारदार हथियार से लगा है और वो खतरे से बाहर है। उसको फिर भी ट्रीटमेंट के लिए, उचित इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। अभी घटना की पूरा विस्तृत जानकारी नहीं हो पाई। घटनास्थल पे मैं गया, वहाँ आसपास लोगों से पूछताछ किया तो पहले तो जिन लोगों ने 112 को फ़ोन किया था तो इन लोगों को चोट लगी हुई थी, तो उन लोगों को लगा कि एक्सीडेंट में घायल हुए होंगे, लेकिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, इनके परिजनों को बुला लिया गया है और शीघ्र ही इस घटना में अभियोग पंजीकृत करके जो लोग इसके पीछे होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की। मृतक और घायल को आइडेंटिफाई कर किया जा चुका है सर? हाँ, एक लड़का ये अंशुमान सिंह है जो यहाँ पे पीजी कॉलेज पढ़ता था, दूसरा राघवेंद्र प्रताप सिंह है, नौनहरा का रहने वाला है और ये रेवतीपुर का है अंशुमान सिंह, जिसकी मृत्यु हो गई है। ये किराए पे मकान लेकर के यहाँ पे रहते थे और सकलेनाबाद में जो एक सुनसान रोड है वहीं पर घटना हुई है। इसमें भी परिजनों से बातचीत की जा रही है, इसके साथ जो लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अब प्रथम दृष्टया जब तक कोई चीज़ सामने ना आ जाए तब तक क्या बताएं। प्रथम दृष्टया तो चाकू से लगी है चोट जिसके कारण मृत्यु हुई है, हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, लेकिन अभी परिजनों से वार्ता की जाएगी, इसके साथ जो लोग थे उनसे वार्ता की जाएगी और जो तथ्य निकल के आएंगे उनसे तहरीर प्राप्त की जाएगी, तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।